कोरोना काल में अच्छी सुविधा देने वाला यमुना पार का सबसे बड़ा दिल्ली सरकार का अस्पताल गुरु तेग बहादुर इन दिनों एक बार फिर से चर्चा में है। साफ सफाई की जिम्मेदारी सिवलिक हाउस कीपिंग कंपनी के सपूत है, लेकिन पिछले 5 महीने से सफाई कर्मचारियों को उनका वेतन न मिलने के कारण अब सफाई कर्मचारी भूख हड़ताल पर उतर आए हैं, जिसके चलते आज उन्होंने 14 सितंबर यानी कि मंगलवार को इमरजेंसी गेट के बाहर एक दिन की सांकेतिक भूख हड़ताल की। आप तस्वीरों में स्वयं देख सकते हैं कि नारेबाजी करते ये लोग गुरु तेग बहादुर अस्पताल के सफाई कर्मचारी है, जो इन दिनों भुखमरी की कगार पर है। इनका आरोप है कि पिछले 5 महीनों से अभी तक इनको वेतन नहीं मिला है, ना ही कोई बोनस, बस आश्वासन मिल रहा है, जिसके चलते अब खाने पीने के लाले पड़ गए हैं और कर्ज इतना हो गया है कि कर्ज देने वालों ने भी साफ इनकार कर दिया है। अब ऐसे में हम क्या करें, मजबूरन हमको भूख हड़ताल का सहारा लेना पड़ा। उन्होंने आगे क्या कुछ कहा आप खुद सुनिए। हम पैदल आते हैं ड्यूटी पे भी और पीएफ नहीं आ रहा हमारा, और क्या नाम जी के हमारे ये लगा लो कि मकान मालिक तलक भी ये बोल रहा है कि खाली करो मकान, राशन वाला राशन नहीं दे रहा, दूध वाला दूध नहीं दे रहा, तो बताओ कहाँ से खिलाएं अपने बच्चों को। जब हम इतनी गंदगी साफ कर रहे हैं तो हमें टाइम पे सैलरी तो मिलनी चाहिए। हमारा किसी के लिए नहीं, हमारा हमारे मालिक के लिए, और हमारे से उल्टा सीधा बोलते सुपरवाइजर, अगर जरा सा लेट हो जाए तो उल्टा सीधा बोलते हैं, एक दिन दो दिन छुट्टी कर ले घर की मजबूरी के लिए तो उल्टा बोलते हैं, बदतमीज तरीके से बात करते हैं, मतलब ड्यूटी लगाते नहीं है, 5 मिनट लेट हो जाते हैं तो कहते हैं बोलो जाओ घर जाओ। मरीज के रिश्तेदार की बोलो और अब क्या क्यों बैठे हैं, क्या क्या आप वेतन के लिए बैठे हैं अपने, और हमारी तनख्वाह बहुत कम मिल रही है, हमें 10,000 रुपये सैलरी मिल रही है, 10,000 में हम कर रहे हैं, लेकिन अब वो भी हमें टाइम पे नहीं मिल रही, 6 महीने हो गए सब भूखे मर रहे हैं। अच्छा बात करें सरकार तो आपको कोरोना वॉरियर्स कहती है। हाँ सरकार बोलती है कि भाई हम कोरोना वाले जो कोरोना काल में काम कर रहे हैं हम उनकी हेल्प कर रहे हैं, हमारी क्या हेल्प हुई है आप बताओ, हमारे बच्चे परेशान, हम परेशान। अब इस टाइम आज के टाइम में हम 10,000 रुपये कमाने वाले, हमारे ऊपर 50,000 रुपये कर्जा हो गया, कहाँ से दें बताओ, ये तनख्वाह नहीं मिली किसके ऊपर कर्जा लें बताओ आप। अब भी सुनाई नहीं होती तो क्या क्या आगे सोचा, क्या करना, हमें ऐसे ही बैठना है, भूख हड़ताल पे बैठेंगे, फिर भूख हड़ताल पे बैठेंगे यहीं, 25-25 साल अगर हो गए हमें यहाँ नौकरी करते हुए, चाहे हमें यहाँ मरना हो जीटीवी के गेट पे, लेकिन हम यहाँ से नहीं हटेंगे। हाँ जी शिवाली घोष, क्या बात करने की कोशिश करी उनसे किसी प्रकार? हाँ जी हाँ, मैं सब बात करते हैं जी, हमारे वो है जो उन्होंने ऐड बना रखा हमारे सुनील, उसने हमारा तो उसने वो आते ही नहीं, हमारे कभी ठेकेदार को नहीं बुलाता जो यहाँ का वो बना के बैठा रखा ऐड, कहता मेरे से बात करो उससे नहीं करना, कभी नहीं बुलाते, 6 महीने हो गए मैं बोलते बोलते कि सर तनख्वाह नहीं दे रहे, हमें बता के जाओ तुम्हारी क्या मजबूरी है, ठीक है ना, मिश्रा सर हैं, ठीक है, हैं आए हुए हैं यही है, वो बार बार बोल देते मेरे से बात करो मेरे से बात करो, हमने 6 महीने से बोल रहे हमारे ठेकेदार को बुला दो, जो उनकी मजबूरी वो हमें बता के चले जाए, हम मानने को तैयार हैं, सही है ना, वो आन के बोल दे, ठीक है ना, हम यहाँ का जो NDA सर वो भी आ चुके हैं, पर हमारा ठेकेदार इतना VIP है कि आने को सुनने को तैयार नहीं, हम भूखे मर रहे, हमारी सुनने को तैयार नहीं, हमारे बच्चे बीमार है। मेरा नाम गुड्डी है, मेरा अभी ऑपरेशन हुआ है 26 तारीख में, मेरी कोई तनख्वाह नहीं आई, मैंने एप्लीकेशन भी लगाई सारा कुछ लगाया, मैं इतनी परेशान हूँ, मैं रोज बीच में कहा भाई मेरे को पैसे दे दो, मैं इतनी परेशान हूँ, मेरा इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ है सबको पता है, अब बताओ तनख्वाह नहीं हुई कुछ नहीं, ना दी नहीं, कोई गौर ही नहीं करी, एप्लीकेशन बोले एप्लीकेशन दे दो, मैंने दो दो एप्लीकेशन लगा दी, एक का भी कोई सुनवाई नहीं हुई। कितने महीने से अभी तक सैलरी नहीं आई और कैसे? 6 महीने हो गए जी तनख्वाह नहीं आई। किस तरीके से आप गुजर बसर? महीने तनख्वाह को हो गया, बताओ क्या खिलाऊंगा बच्चों को, मेरा मकान गिर गया, मुझे 7 महीने बैठाया घर, मेरा बच्चा बीमार हो गया, मैं उसको कहाँ लेकर जाऊँगा बगैर पैसे के, बताओ मैं क्या करूँगा। अच्छा बात करें, खुद मैं बीमार हुआ, निडिल मेरे लगी हैं, तो बताओ कहाँ बात करने की कोशिश करी कि क्यों क्यों सैलरी नहीं आ रही अपने के मालिक से? NDA से तो अभी हमने बात नहीं करी, हम अपने ठेकेदार से बात कर सकते हैं, हम ठेकेदार के थ्रू हैं, ठेकेदार ने लगाए हमें लेबर है जी, हम सरकारी आदमी से बात क्यों करेंगे, हम अपने ठेकेदार से बात करेंगे, हमारे बीच में ठेकेदार आ जाओ और कैसी भी कह जाओ हम वह मंजूर है। अब सैलरी नहीं मिलती है तो कैसे करना है, सफाई व्यवस्था चलानी है या बंद करनी है? अब कैसे क्या करें, ढाई महीने की सैलरी का कर्ज लिए और हमारा बिल पास क्यों नहीं हो रहा सर जी? 5 महीने हो गए हमें, 5 महीने से हमें ना सैलरी मिली है, आगे हमें टाइम बता देते हैं, कोई कहता है दिवाली के बाद मिलेगी, कोई कहता है अगले महीने मिलेगी, कोई कहता है पिछले महीने मिलेगी, कोई हमें कोई ढंग से कोई नहीं बताता। अच्छा पेंडेमिक चल रहा है, किस तरीके से आपने काम किया?
एक अभी घर से पैदल आ रहे हैं। जब इस मामले पर शिवालिक हाउसकीपिंग कंपनी के अधिकारियों से बात की गई तो उन्होंने बताया कि दिल्ली सरकार की ओर से अभी तक कोई फंड नहीं मिल पाया है, जिसके कारण इनका वेतन अभी नहीं मिल पाया है। हम फिलहाल एक महीने का फंड इनको अपने खाते से देने का आश्वासन दिया है एवं अन्य रुके हुए 4 महीने का वेतन भी जल्दी देने की बात कही। अब देखना होगा कि आश्वासन मिलने के बाद कब तक इन सफाई कर्मचारियों को उनका वेतन मिलता है, या फिर इसी प्रकार से सफाई कर्मचारी अपने हक की लड़ाई लड़ते रहेंगे और अस्पताल प्रशासन यूं ही मूर्ख बना बैठा रहेगा। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से रवि डालमिया की रिपोर्ट।